एक बार महात्मा बुद्ध किसी नगर से गुजर रहे थे। बुद्ध की नजर एक कपड़ा व्यापारी पर पड़ी जो उदास और निराश दिख रहा था। बुद्ध उसके पास गए और पूछा, हे भक्त, तुम इतने दुखी क्यों हो? यदि आप मुझे अपनी चिंता के बारे में बताएं तो मैं आपकी मदद कर सकता हूं। कपड़ा व्यापारी ने बुद्ध को प्रणाम किया और उन्हें अंदर आमंत्रित किया। व्यापारी ने कहा कि जब से मेरी पत्नी की मृत्यु हुई है, तब से मेरे छोटे बेटे की देखभाल के लिए घर पर कोई नहीं है, इसलिए मैं हमेशा उसे अपनी दुकान पर लाता हूं। लेकिन वह मेरी दुकान पर आने वाले हर ग्राहक की पगड़ी उतार देता है और कभी कभी उनका बैग उठाकर बाहर फेंक देता है। मैंने डांटा को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं समझा। उसकी हरकतों से मेरे सभी ग्राहक अपमानित महसूस करते हैं और वापस चले जाते हैं। बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं, लेकिन तुम मुझसे वादा करो कि तुम मेरे किसी भी काम में हस्तक्षेप नहीं करोगे, न ही कोई सवाल पूछोगे। व्यापारी बुद्ध से एक वादा करता है। अगले दिन बुद्ध पगड़ी पहनकर आए और ग्राहक की तरह बैठे। व्यापारी के बेटे ने आकर बुद्ध की पगड़ी उछाल दी। महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और बोले, बहुत अच्छा, जाओ और वह पगड़ी वापस ले आओ। वह बच्चा दौड़ देकर पगड़ी ले आया और बुद्ध को दे दी। अगले दिन बुद्ध एक कुल्हाड़ी और लाठी लेकर आए। लड़के ने फिर पगड़ी उछाली। बुद्ध ने लड़के को एक कुल्हाड़ी और लकड़ी दी और कहा, जाओ इस लकड़ी को काटो। व्यापारी को थोड़ा डर था कि कहीं उसके बेटे को चोट ना लग जाए, लेकिन उन्हें अपना वादा याद था। 7 दिनों तक महात्मा बुद्ध कोई ना कोई नया काम लेकर आते और लड़के से करवाते। जल्द ही लड़का भूल गया कि उसे किसी की पगड़ी उछालनी है। व्यापारी बहुत खुश हुआ और बुद्ध को धन्यवाद दिया। मैं जानता हूं कि इस कहानी और मन के नियंत्रण के बीच कोई विशेष संबंध नहीं है, लेकिन पहले आप इस तर्क को समझ लें। यदि हम अपने मन को अपने अनुसार कार्य नहीं कराएंगे तो मन अपने अनुसार कार्य करेगा। यदि हम मन को अपनी इच्छा अनुसार नियंत्रित कर ले तो मन को नियंत्रित किया जा सकता है। मन 2 तरह से काम कर सकता है। पहला, मन अपनी इच्छा अनुसार काम कर सकता है, या दूसरा, हम मन से अपनी इच्छा अनुसार काम करा सकते हैं। बुद्ध से मिलने से पहले लड़के का मन और मस्तिष्क अनियंत्रित रूप से उसकी इच्छा के अनुसार काम कर रहा था, लेकिन बुद्ध ने LDDHK से अपनी इच्छा के अनुसार काम कराया, जिससे उसकी आदतें बदल गईं। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपको बुद्ध की यह कहानी पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।